नमस्कार दोस्तों, लास्ट लैक्चर दे विच आपां की कीता सी, सिलेंडर दी सतह दे खेत्रफल दे गल कीती सी, बेलन दी पासवीं सतह, कुल सतह या वक्र सतह ते आपां गल्लां कीतियां सी। उसे ते अगे चलदे होए आपां अज गल करनी है नैक्सट टॉपिक सिलेंडर दा, जो नैक्सट माप है सिलेंडर दे आयतन दी या घनफल दी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से गल करनी है। वॉल्यूम आप ऑलरेडी कर चुके हैं घनाल के केस, आयतन की होंगे, घनफल की होंगे, कपैसिटी। नॉर्मल अपने जो ग्लास ने, मैं एक एग्जाम्पल लेना, ग्लास अपने ज़्यादातर बेलन की शेप के होंगे, सिलेंडर की शेप के होंगे ज़्यादातर। और जो ग्लास है, चाह है, दुध है, कोई भी लिक्विड आप पाने वो असल दे विच की है, आयतन है। आप पिलर की गल करते हैं, थम्मा की गल करते हैं, अपने घर पिलर खड़े होंगे ने, स्कूल दे विच देखो, स्कूल की बिल्डिंग के चारे पासे पिलर खड़े है। हुण जिहड़ा पिलर ते रंग होंदा चारे पासे, वह तो होगी सतह का खेत्रफल, जिहड़ा उहदे विच सीमेंट, बजरी, सरिया, कंक्रीट जिहनूं आपां कहिंदे भरिया जांदा है, उहदा की हो गया, आयतन हो गया। तां अज आपां उस ते गल करनी है सिलेंडर की। हुण जो सिलेंडर या बेलन का आयतन है, देखो की होया, जदों आप पासवीं सतह से गल कर रहे थे, वकर सतह की गल कर रहे थे, मैं तुम्हें कहा कि एक्टिविटी के एक जमीन ते चक्कर बनाओ, दे आले दुआले खड़े हो जाओ, इस अकॉर्डिंग आप खड़े हो जाते तो वह वकर सतह बनती सी। हुण आयतन की है, जिमें आप भरत पाने, आप खेतों के भरत पाने, घर भरत पाने, स्कूल आप ग्राउंड के लैवल उच्चा करने लिए देखो भरत पाने, तो एक चक्कर करके आप भरत पानी शुरू करती। जिमें आप जो पिलर बनाने चक्कर के उत्ते उपा कंक्रीट खड़ी करनी शुरू कर दें, तो की कर रहे आप इस हिस्से ऊंचाई दे रहे हैं, आ हिस्सा असल च की हो गया यदा खेत्रफल, बचालड़ा हिस्सा खेत्रफल होंगे ना, तो की किया आप जदों आप खेत्रफल ऊंचाई दी, चक्कर दे खेत्रफल आप ऊंचाई देती, वह अपने को सिलेंडर का आयतन बन गया। तो चक्कर या आधार का खेत्रफल की होंगे, पाई आर दी दो उचाई नूं आपां की लैके चलदे आ, एच। तां सिलेंडर या बेलन दा आयतन या घनफल की हो गया, पाई आर दी दो, चक्कर दा खेत्रफल, आधार दा खेत्रफल गुणा उचाई। हुण आपां इहदे क्वेश्चन्स ते गल करनी है कि इहनूं आपां उहदी प्रैक्टिकल लाइफ किवें यूज कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण तों लैके चलदा, किसे मंदर दे थम, थंब का मतलब की हो गया पिलर, बेलनाकार हैं, डायमेंशन देती हैं, जेकर हरेक थंब का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर, जेकर हरेक थंब का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर अते उचाई अते उचाई 10 मीटर होवे, तां अजेहे 14 थम्मां नूं बनाउण लई, तां अजेहे 14 थम्मां नूं बनाउण लई किन्ने कंक्रीट मिश्रण की लोड़ है। आप दिता हुआ तो देखो डायमेंशनज आपू की इतने दतिया हुई हैं, आप उस पर गल करनी है। सब तो पहला की देता, अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर, उचाई 10 मीटर, आ सेंटीमीटर है, आ मीटर, किते भी होर गल नहीं की। नहीं तो आप देखते होंगे आपको की चाहिए रेट के हिसाब से, वर्ग मीटर चाहिए कि सेंटीमीटर, उरे कुछ भी मैनशन नहीं किया हो, अपनी मर्जी है। आप दोहां हुण मीटर च भी बदल सकते हैं, आप दोहां नूं सेंटीमीटर च भी बदल सकते हैं, तो यह अपनी मर्जी है। हुण इत्थे फिर आप करांगे, आप इहनूं मीटर च बदल दिंदे हां, 100 मीटर। ठीक, इत्थे एक चीज़ मैनशन है,
22.3.1 मैं उन्हें मेंशन कर रहा जान के क्वेश्चन दे विच क्योंकि हुण तक आपां जिन्ने भी क्वेश्चन कीते लास्ट लैक्चर च आपां 22/7 दी गल कीती है इत्थे आपां मेंशन कर रहे हैं कि जे मान लो पाई दा 3.14 आ गया हुण कंक्रीट चाहिए है एक थंब विच लग्या कंक्रीट की हुंदा हो जो कंक्रीट दी आपां हुणी गल करके हटे हां ओह हो गया उस थंब दा घनफल या आयतन ये किस शेप च है बेलनाकार पाई आर दी 2h पाई आपां मेंशन किया हो 3.14 या दशमलव हटाया 314/100 आर की घात 2 का मतलब आर 2 बार 1-0 नाल 1-0 कट गई 2/10 2/10 क्योंकि उरे 2 घात है 2 घात का मतलब 2 बार गुना एच आ गया 10 इनू हल करते हैं 1-0 नाल 1-0 होर कटना कट दियो सीधा भी कर सकते हैं 314 की 2×4 नाल गुना की 1256/1000 घन मीटर घन मीटर क्यों है क्योंकि यह आयतन आ गया देखो 2 बार यदी गुना होगी 1 बार यदी गुना होगी मीटर की 3 बार गुना होगी इन्ने घन मीटर आ गया हुण अपने कोले किन्ने थंब ने इत्थे किन्ने थंब ने देखो 14 थंब ने एक थंब का किन्ना आ गया 1256/1000 तां 14 थम्मां दा आयतन 1256/1000 गुना 14 हुण देखो उही गल फिर इत्थे 14 दा अगर तुहानूं पहाड़ा आंदा है तां तुसीं डायरैक्ट गुना कर सकदे हो किवें 14 छीक है 84 4 8 बच गए 14 5 70 ते 8 78 7 बच गए 14 दूनी 28 ते 7 35 5 3 बच गए 14 एकम 14 ते 3 17/1000 दशमलव लगाया पिछों 3 संख्यावां छड़तियां तां इहदा मतलब जिन्ना कंक्रीट लगना है वह किन्ना लगना है 17.584 इन्ना कंक्रीट आपां नूं उस मंदिर दे 14 थम्मां दे लई चाहिए देखो क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ उन्होंने कंक्रीट की गल की सी अगर वो रंग की गल करते तो शायद आप करते आप रंग के हिसाब न चलते अगले क्वेश्चन से आप चलते हाँ अगला क्वेश्चन है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकिंग उपलब्ध है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकिंग उपलब्ध है केड़ी केड़ी पैकिंग एक पैकिंग तो होगी लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार टीन दे डब्बे वाले आयताकार टीन दा डब्बा देखो आपां नूं एक डायमेंशन देती एक माप देता उधर टीन का डब्बा देता जिसकी उचाई नाल देती 15 सेंटीमीटर है एक पैकिंग तो आपां नूं ए देती दूसरी की देती व्यास 7 सेंटीमीटर वाले चक्री आधार अते 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले देखो फर्क उत्थे आयताकार मेंशन किया होया इत्थे कहिंदे चक्राकार चक्री आधार देता वाले प्लास्टिक दे एक बेलनाकार डब्बे च एक आपां नूं आ मेंशन करता कि बेलनाकार दे डब्बे च है हुण क्वेश्चन है किस दी समर्था अधिक है आपां नूं आ पुछिया समर्था मतलब कपैसिटी कपैसिटी का मतलब वॉल्यूम पहला तो यह देखो पहले च यह किहड़ी साइज है की सॉलिड है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयताकार देता आयताकार नूं ऊंचाई देती तो यह मतलब पहला किहड़ी शेप च हो गया कनाव की शेप च हो गया कनाव की समर्था या कनाव का आयतन की फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 15 5 चौका 20
गुना की 300 घन सेंटीमीटर। ये आ गई अपने को कनाव का आयतन। दूसरा अपन की कहा बेलनाकार, तो फिर बेलनाकार का आयतन का की फॉर्मूला से आप हूँ ही गल करके हटे हाँ, पाई आर दी दो एच, यही फॉर्मूला से पाई बाई वटे सत्त, आर दो बार है कितने है आ की व्यास, इतने आपां नूं व्यास दिता होया। देखो फॉर्मूला दसो की चाहिए, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो जे व्यास 7 सेंटीमीटर है अर्धव्यास किन्ना हो गया 7/2, आर किन्ने बार है इतने 2 बार, तो 7/2 किन्ने बार आ गया 2 बार, उचाई किन्नी है इतने 10, उचाई किन्नी है 10, हल कर दें 7 × 7 2 × 2 11 × 2 = 5, 11 × 7 = 77, पिछे 0/2 38, ये आ गया 385। हाँ जी कनाव की इन्नी आ रही है, सिलेंडर आकार की 385 आ रही है, किदी अधिक है बेलन की। अगर क्वेश्चन आ गया किन्नी अधिक है, आप दोहां नूं घटा देंगे, दोहां नूं घटा करके अपने को किन्ना आंसर आ जूगा 85 घन सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन से आप चलते हैं हूँ, जो जो क्वेश्चन लिखा होया हिसाब नाल क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग उन्होंने मोल्ड करी चलो। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, एक हॉस्पिटल विच, एक हस्पताल विच एक रोगी नू, एक रोगी नू 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे विच वाले एक बेलनाकार कटोरे विच सूप दिता जांदा है, सूप दिता जांदा है, जे सूप, देखो अपन डायमेंशन देती 7 सेंटीमीटर व्यास, जे सूप कटोरे विच 4 सेंटीमीटर तक भरिया है, जे सूप कटोरे विच 4 सेंटीमीटर तक भरिया है, तो हरेक दिन हस्पताल विच 250 रोगियों नूं किन्ना सूप दिता जाता है या तैयार किया जाता है। ये अपने को क्वेश्चन आ गया, तो अपने को क्वेश्चन है क्लियर मैंशन करता कि जो सूप का कटोरा है वह बेलनाकार है, जिदा व्यास देता देखो आपां नूं 7 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 7/2 अद्धा हो गया, तो किन्ने ऊंचाई तक भरया गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भरया गया, तो हुण एक रोगी नूं एक कटोरा दिता गया, ठीक, तो एक कटोरे का आयतन या जिन्ना आपां नूं सूप दिता जा रहा उत्थे रोगी नूं पाई आर दी 2h, पाई 22/7, आर 7/2 है किन्ने बार है 2 बार, ऊंचाई किन्नी है 4, 7 × 7 कट गया 2 × 2 2 × 2 = 4, 2 × 2 2 × 2 22/7 = 154 घन सेंटीमीटर। तो यह मतलब एक रोगी नूं एक कटोरा दिता जाता है, तो यह मतलब एक रोगी नूं इन्ना सूप दिता जाता है 154 घन सेंटीमीटर, ते किन्ने रोगी ने हस्पताल दे विच 250, तां 250 रोगी लिख दो या कटोरे, क्योंकि हरेक नूं की कटोरा मिल रहा है, रोगियां लई सूप दी मात्रा 250 × 154। हुण देखो गुणा जे करनी है 0 छड़ दो, 25 दा पहाड़ा जे आंदा है, 25 × 4 = 100, 0 = 10, 25 × 5 = 125, ते 10 × 135 = 5, 13 25 × 25 25 × 13 = 38, 3850 10 आ लगी, तो 38,500 घन सेंटीमीटर सूप है जिहड़ा डेली उस हॉस्पिटल दे विच पेशेंट्स नू
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 15.4 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਤਨ, 15.4 ਲੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? 1 ਘਨ ਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ। ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਠੀਕ, ਹੁਣ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1000। 1 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਇਆ, 1 0 ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2h, ਪਾਈ 2/7, ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਬਰਾਬਰ 154/10000। ਆਰ ਦੀ 2, 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, 2 ਘਾਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 2 ਘਾਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਘਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਦੀ ਘਾਤ 2, 4 0 ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ 2 0 ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ, 7/100, ਆਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਾਕਾਰ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚਾਦਰ? ਕੁੱਲ ਸਤਾ 'ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਉਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾ 'ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? 2πr h ਪਲੱਸ ਆਰ, 2π/7, ਆਰ ਆ ਗਿਆ 7/100, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਬਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਆਇਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 × 44/100। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਘੂਤਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 100 × 100, 44/100 ਗੁਣਾ 107/100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 80 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4708/ ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4708 ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਇਤਨ 'ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਡਬਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ
132 सेंटीमीटर अते ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, अते ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन विच किन्ने लीटर पानी आ सकता है? आ क्वेश्चन आ गया। की दिता है पहला उस ते गल करते हैं। सब तो पहला यह देता बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के बेलन आ है, ये आधार से आ डायग्राम है, ये की है चक्कर। बिल्कुल, तो फिर आपां नूं असल च की देता चक्कर का परिमाप 132 देता। परिमाप का मतलब असल च की हो गया घेरा, 2πr चक्कर के परिमाप या घेर का फॉर्मूला यही होंगे। देखो सिर्फ एक दिता उन्होंने हल करी जाने आप, पाई बाई वटे सत आर ओमे दा, ओमे आर की कीमत कढ़नी है, ये उधर जाके उल्टा हो जाओ, निचली उपर हो जाऊगी उपरली नीचे। कटिया गया 2 × 2 = 66, 22 × 22 = 66, 7 × 21 सेंटीमीटर, तो जो अर्धव्यास आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। उस बाद एक ऊंचाई आपां दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। देखो परिमाप दिता तो आपां पता है परिमाप के फॉर्मूले आपां हल कर सकते हैं, आपां हल किया अर्धव्यास कट लिया, हुण दूजी आपां का दे रखी है। इस बाद की कहा, कहते बर्तन च किन्ने लीटर पानी आ सकता है? बर्तन च पानी की हो गया यदि समर्था होगी, यदि कपैसिटी होगी, तो यह की हो गया बर्तन का आयतन, तो बर्तन के आयतन का की फॉर्मूला है? पाई आर दी 2h, पाई 22/7, आर किन्ने बार है? 2 बार, 21 किन्ने बार आ गया? 2 बार, 25, 7 × 7 7 × 21। हुण आपां गुणा करनी है 22 × 66, 66 दी पहला 21 नाल, 21 दा पहाड़ा याद होवे, नहीं कल्ले कल्ले कर लो तो ही है, अगर पहाड़ा याद है तो सौखा हो जाऊ। 21 × 6 = 126, 6 = 12, 21 × 6 = 126 ते 12 = 138। हुण करनी है 25 नाल, कल्ला कल्ला आंदा वो तो आंदा ही है, जे 25 दा पहाड़ा आंदा सीधा, 25 × 150 = 015, 25 × 8 = 200, 215, 21, 25 × 75 = 96, 9, 25 × 9 = 34। तो यह हो गया 34,650 इकाई की चल रही है घन सेंटीमीटर, परंतु लीटर। रिजल्ट याद करो आपां कीता सी लास्ट लैक्चर च, 1 लीटर दे विच 1000 घन सेंटीमीटर होंदा है, उरे घन सेंटीमीटर दिता होया आपां पुट्ठा जाना है, तो की कर देंगे वंड कर देंगे वटे 1000 लीटर, 3 पिछों 0 दशमलव छड़िया, तो 34,650 लीटर अपने को ले की आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया। अगे चलते देखो दिता की है, क्योंकि थोड़ा जिहा टेक्निकल क्वेश्चंस ने तो थोड़ा ध्यान नाल लेके चलना है, फॉर्मूलिया का पता होना चाहिए, कि आपां दिता है उसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन है अगे, एक बेलन की पासवीं सतह का खेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पता करो, नंबर 1 अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास, नंबर 2 बेलन का आयतन। इत्थे मेंशन करता कि पाई नूं 3.14 लैके चल, देखो जिथे जिथे मेंशन है सिर्फ उत्थे लैके चलना है, नहीं आपां 22/7 लैके चल रहे हैं। सब तो पहला की देता बेलन दी पासवीं या वक्र सतह का खेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, यही देता ना। हुण बेलन दी वक्र सतह के खेत्रफल का की फॉर्मूला है? 2πrh, इनू बटे कर लो, दशमलव हटाता 2,
पाई दे रखे 3.14, दशमलव हटाया 100। आर नहीं पता, ऊंचाई पता है, आर ओमेगा ओमे ऊंचाई कितनी है 5। जिहड़ी आ पाई दिंदे आ ना 3.14, पता क्यों दिंदे ने? ताकि क्वेश्चन सौखा हो जाए। हुण इह जिहड़ी रकम है आ संख्या इह ना कटूगी, इह तां दित्ती है। अगर तुसीं नूं 22/7 ना कहोगे हल नहीं होनी, क्वेश्चन देखियो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाऊगी। इहनूं हल करदे आ, 5 ते कट्टिया गया 20, 2 × 2 = 10। हुण आर इह उधर जाके की हो गया, उल्टा हो गया, तां 314/10 की बन गया 10/314। कट इह कटूगा कटूगा, देखो ध्यान नाल, 3 आ गया। तां इहदा मतलब जिहड़ा अर्धव्यास है किन्ना आ गया 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट अपना हो गया पूरा, पहला पार्ट पूरा हो गया। हुण आपां गल करनी है दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट दे विच आपां नूं की कहा, बेलन का आयतन या घनफल या समर्था। की फॉर्मूला आयतन का? पाई आर दी 2h। पाई किन्नी है 3.14, पॉइंट हटाया 314/100। आर 2 बार आ गया, 3 2 बार। एच किन्नी दे रखी आपां नूं? 5। 5 × 5, 2 ते गया 10, 2 ते गया 157। तो देखो बचिया की अपने को, 157 × 3 × 3/10, 30 × 9, 157 की आप 9 नाल गुना करनी है, 9 × 7 = 63, 6 ये हल करके कि आ गया 1413/10, या 1.1 लग के की हो गया सेंटीमीटर। घनफल है घन सेंटीमीटर, तो आप इनू हल किया अपने को, हल करके कि आ गया 141.3 घन सेंटीमीटर। तो यह सी अपना सिलेंडर ते बेलन दे नाल संबंधित टॉपिक। मैं थोड़ा जिहा फॉर्मूले रिपीट कर दिना, थोड़ा जा ध्यान च रह जूगा। बेलन या सिलेंडर अगर कुछ भी मैंशन नहीं किया, सिर्फ ये लिखा है, तो क्लीयर कट देखो, इतने दो गल्लां याद रखने। अगर बेलन लिखा गया, एक तो यह बंद है, नंबर 2 यह लंब चक्री है, ये गल ध्यान च रखनी है। सब तो पहला आ गई यदि वकर सतह, पासवीं सतह का खेत्रफल की सी 2πRH, चक्कर का घेरा गुना उचाई। उस तो बाद आप गल की सी कुल सतह के खेत्रफल की कहा सी, अगर मैं तुम्हें कहा सी चक्कर का घेरा उचाई ते अर्धव्यास का जोड़। परंतु अगर बिना ढक्कन तो देता, खुला देता, इनू बोलते हैं सतह का खेत्रफल। सतह तो कोई भी हो सकती है, ये भी सतह हो सकती है, पर इत्थे की होगा, मैंशन होगा खुला बिना ढक्कन तो। की फर्क पिया? पास भी तो ओमे दी ओमे आ गई, चाहे आप इनू क्वेश्चन च नहीं वरत्या किसी क्वेश्चन च, पर एक नॉलेज लिए होना चाहिए। 2πRH एक आधार हो गया अपने को, पाई आर दी 2। एक आपां कीता इहदा आयतन या घनफल, पाई आर दी 2h, चक्कर का खेत्रफल, क्योंकि चक्कर के खेत्रफल से आप ऊंचाई देने होंने गुना उचाई। तो यह सी दोस्तों अपना टॉपिक सिलेंडर या बेलन। थैंक यू।